बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम मैथमेटिक्स क्लास 8, एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 55696। तो स्टूडेंट, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो पहले की तरह हम राइट साइड से शुरू करेंगे कि इसके फैक्टर किस तरह बनते हैं। इसके पेयर बनाएंगे हम, 96 का एक पेयर बन गया और आगे 56 का एक पेयर बन गया और 5 जो है अकेला बच गया। हमने देखना है किसका स्केयर करें जो 5 से बड़ा ना हो। तो हमने 2 का स्केयर किया, वो आया 4। तो 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 आ गया। ऊपर से हम पूरा पेयर उतारेंगे, वो है 56 का। यहाँ पे 2 का हमने डबल किया, वो आ गया 4। तो अभी हमने देखना है कि 4 के साथ कौन सा हिस्सा लिखें जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 156 से बड़ा ना हो लेकिन इसके करीब तरीन हो। तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 129 बनता है। अगर यहाँ पे 4 लगाते और 44 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 156 से वो बड़ा हो जाता था। हमने 3 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो वो बना 129। 156 में से 129 को माइनस किया तो हमारे पास आया 27। तो ऊपर से हमने अपना पेयर उतारा, वो है 96 का। तो ये बन गया 2796। तो हमने 4 ऑलरेडी डबल हो चुका है, उसको इस तरह ही लिखेंगे। 3 को डबल किया, वो 6 आ गया। अभी हमने देखना है कि यहाँ पे 4 6 बना था, इसके साथ कौन सा हिस्सा लगाएं जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये 2797 बन जाए। तो हमने वहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखा तो वो हमारा 2797 बन गया। जब यहाँ पे 6 लगाया, ऊपर भी 6 लगा देंगे तो ये बना 4 6 6। इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वह बन गया 2797 96। तो ऊपर वाले 2796 में से 2796 को माइनस किया तो वो 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हमारे पास जो ऊपर आ गया ये हमारा आंसर है। तो हमने क्या सीखा है कि 55696 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 236 के इक्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है 240100। तो इसका हम फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसका भी मेथड है कि इसके हम पेयर बनाएंगे राइट साइड से। तो जो 00 था उसका एक पेयर बन गया, 01 का एक पेयर बन गया और 24 का दूसरा पेयर बन गया। और इस तरह हम देखेंगे कि जो 24 है किसका स्केयर करें तो इसके नज़दीक तरीन हो। तो अगर हम 5 का स्केयर करते तो वो 25 हो जाता, इससे बड़ा हो जाता है। लिहाजा हमने 4 का स्केयर किया है तो 4 4 टाइम 16। तो 24 में से 16 को माइनस किया तो हमारा आ गया 8। ऊपर से हमने अपना पेयर उतारा जो कि 01 का है। उसके बाद हमने 4 का डबल किया, वो बना 8। 8 के साथ कौन सा आंसर गए तो 801 बनता था। तो हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करके देखा तो वो हमारा 801 बनता था, क्योंकि अगला पेयर भी 0 का है। तो वो हमने 0 वाला पेयर भी नीचे उतार लिया, यहाँ पे भी 0 लगा दिया, इधर भी 0 लिख दिया। तो हमने अभी हमारा बना ये 890। तो हमने इसको 90 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 80100। तो 80100 में से इसको माइनस किया तो हमारा आंसर नीचे 0 आता है। तो इसका मतलब जब 0 आ गया तो जो ऊपर आ गया वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने क्या सीखा इसमें, 240100 इसका स्क्वायर रूट जो है वो है 490। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 है हमारा 10329796। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो हमने राइट साइड से पेयर बनाना शुरू किए, 96 का एक पेयर, 97 का दूसरा पेयर और 32 का तीसरा पेयर और 10 का चौथा पेयर। इसके 4 पेयर बन गए क्योंकि इसमें हिस्सों की तादाद जो है वो इवन नंबर में है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पेयर है वो है 10। तो हमने किसका स्केयर करें, हमने ये देखना है किसका स्केयर करें जो 10 से इंक्रीज ना हो और इसके करीब तरीन हो। तो हमने 3 का स्केयर किया, वो बना 93। इधर भी लिखना है 3, हमने ऊपर भी लिखना है। तो 10 में से 9 को माइनस किया तो वो 1 बन गया। ऊपर से हमने नया पेयर उतारा, वो 32 का है। तो ये हमारे पास बन गया 132। तो अब हमने 3 का डबल किया, वो बन गया 6। अब हमने देखना है कि इसके साथ कौन सा हिस्सा लगाएं जो 132 के करीब तरीन हो। तो हमने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, जब ये बन गया 62। इस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इधर 2 लगाया है तो इधर भी 2 लगाना है। तो 2 2 4, 3 2 12, 6 2 12। तो हमने 132 में से 124 को जब माइनस किया तो वो हमारा बना 8। ऊपर से हमने नया पेयर उतारा, वो है 97 का। जब 97 का पेयर उतारा तो ये हमारे पास बन गया 897। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 ऑलरेडी डबल कर चुके थे 3 का, तो हमको उसको इस तरह लिख लिया
टू का डबल किया वो बन गया फोर। अब हमने देखना है इसके साथ कौन सा आंसर लगाए जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा इससे बड़ा ना हो। तो हमने यहाँ पे वन लगाया, इधर भी वन लगाया, तो ये सिक्स फोर वन को जब वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिक्स फोर वन आ गया। तो हमने 897 में से जब इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 256। तो ऊपर से हमने अपना नया पेयर उतारा वो है 96। जब 96 में से पेयर उतारा तो यहाँ पे देखना है कि हमारे पास टोटल क्या बना है। यहाँ पे बना है 256 96। तो इस साइड पे क्या करेंगे, 6 ऑलरेडी जो है डबल हो चुका था उसको इसी तरह लिख लिया, जो 4 था ये 2 का डबल हो चुका था उसको भी इसी तरह लिख लिया, और यहाँ पे हमने देखना है, और 1 जो है इसका डबल किया तो वो बन गया 2। तो अब देखना है कौन सा आंसर इसके साथ लगाएं और उसी आंसर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये आंसर आ जाए। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि 4 के साथ मल्टीप्लाई जब इसको करते हैं तो वो हमारा बनता है 256 96। तो यहाँ पे भी है 256 96। तो जब इसमें से जब 4 6 4 2 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 256 96। तो इसमें से इसको माइनस किया तो 0 आ गया। जब 0 आ गया तो ऊपर वाला हमारा इसका आंसर है। तो हमने क्या सीखा कि 1032 9796 का स्क्वायर रूट क्या है 3214। स्टूडेंट्स यही आपका होमवर्क में है, जो आज आपने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं सारे आपने होमवर्क में राइट करने हैं। अल्लाह हाफिज़।